नमस्कार मित्रों, आज हम 8.2 प्रश्नावली का अध्ययन करने से पहले त्रिकोणमिति सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि 8.2 प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति सारणी पर आधारित है। तो त्रिकोणमिति सारणी का अध्ययन करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों की जानकारी देते हैं। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम को थीटा होता है। ठीक है, जैसे साइन थीटा व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा व्युत्क्रम हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/ साइन थीटा। ठीक है, अब हम सारणी के कुछ विशेष मानों के बारे में देखते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब सबसे आसान तरीका है, गिनती लिख दो, 0, 1, 2, 3 और 4। अब इन सब के बटे के अंदर 4 लगा दो, ठीक है, भाग 4 का भाग दे दो, ये 4, सब में 4 का भाग देंगे, ये 4। ठीक है, अब इनका वर्ग कर दो, ये वर्ग कर दिया। ठीक है, जीरो के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे, चाहे 100 का दे, 1000 का दे, चाहे 1 का दे, उसका मान हमेशा 0 ही होता है। तो 0 में 4 का भाग 0, 0 का वर्ग 0, उसके बाद में 1/4, 1 में 4 का भाग, ठीक है, देंगे तो यहाँ पे क्या वर्ग वर्ग निकलेगा, 2, 4 का वर्ग 2 होता है, वर्ग में लेंगे तो 2, ठीक है, 2/√4। ठीक है, तो यहाँ से दो इसको पहले काट देंगे, 2 यानी 1/2 बच गए, तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, √2। ठीक है, 3/√4, तो 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, √3, और 2 का वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2, और यह कट जाएगा यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1। ठीक है, अब कोस थीटा, कोस का मान, कोस के बारे में, तो कोस 0 डिग्री का मान है वो साइन 90 का मान होगा, वो कोस 0 का मान होगा, यानी इसको उल्टे वापस लिख देना है, 1 ये यहाँ पे आ जाएगा √3/2, और साइन 45 कोस 45 का मान बराबर होता है, टेन 45 और कोट 45 का मान बराबर होता है, सेक 45 और कोसेक 45 का मान बराबर होता है। ठीक है, और
कोस 60 डिग्री का मान जो 37 का मान है, 37 का मान क्या है, 1/2, ठीक है। और साइन 90 का मान वो होगा जो, कोस 90 का मान वो होगा जो साइन 0 डिग्री का मान हो, तो साइन 0 का 0, ठीक है। अब हम टेन के बारे में, टेन तो टेन थीटा यहाँ पे बोलता बेसिक आप जानकारी लेते हैं, देते हैं आपको टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये भी होता है और यह होता कोस थीटा, ठीक है। तो अब हमें साइन और कोस के मान प्राप्त है, ठीक है। तो पहले 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री का, तो 0 के अंदर 0 का भाग जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। अब 1/2 ऐसे समझो, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान रूट 3/2, ठीक है, 1/2। अब उल्टे हुए 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3, ठीक है। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है। 10 45 का मान निकालना, तो साइन 45 और कोस 45, तो साइन 45 का मान √1/2 और √1/2, ठीक है। √2 से √2 कट गया, यानी 1 1, 10 45 का मान 1, ठीक है। और 10 60 का मान चाहिए, तो साइन 60 और कोस 60, ठीक है, √3/2 में साइन 60 में कोस 60 का मान भाग देंगे, 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी √3। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित यानी अनंत, ठीक है। तो हम अपरिभाषित लिख सकते हैं या अनंत लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब कोट, कोट थीटा, तो कोट का होगा, वहां से लिखते हैं, जो कोट 10 90 का मान होगा वो कोट 0 डिग्री का होगा, और जो कोट 60 का होगा, जो 10 60 का होगा, सॉरी, जो 10 60 डिग्री का मान होगा वो कोट 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है। और कोट और 10 45 का मान तो बराबर होता है 1/√3 और 0, यानी ये मान है, इधर से लिख दिया अनंत, अनंत के बाद में √3 45, कोट 45 और 10 45 का मान बराबर होता है 1 1, और 10 60 का मान है, 10 30 का मान है वो कोट 60 डिग्री का मान होगा, ठीक है। और कोट 60 डिग्री का मान है वो 10 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है। अब करते हैं शेक, 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 शेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी जो भी ये मान है उनको बट्टे में लिखना है, 1 के बट्टे में, ठीक है। तो 1 के बट्टे में लिखेंगे, 1 का 1 में भाग 1, ठीक है, और 1/√3/2, तो 2 ऊपर आ जाएंगे, रूट नीचे 2/√3, ठीक है। और इसके यहाँ पे बट्टे में 1 लगाएंगे, ये ऊपर आएगा तो आ जाएगा √2, केवल √2, ठीक है। और केवल √2, ठीक। और अब कोस 60 डिग्री का मान है, ठीक है, तो इसको करेंगे 1/2 में, तो 2/√3,
दो बटा रूट तीन और ना दो बटा रूट तीन नहीं, वो तो वो देख लिया मैंने, साइन वाला देख लिया था। ठीक है, ये आ गया 1/2, 1/2 है तो इसके बट्टे में एक लगाएंगे, यानी ये ऊपर चला जाएगा दो, तो दो। ठीक है, और यहाँ पे एक लिखेंगे, किसी भी संख्या में 0 का भाग जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है, अपरिभाषित। अब फिर sec थीटा का जो ये मान है इसको ऐसे लिखते हैं, अपरिभाषित 2√2, 2√3 और 1। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, साइन थीटा का मान निकालने के बाद में जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कोस 0 डिग्री का मान होगा, जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कोस 30 डिग्री का मान होगा, जो साइन 45 का मान है वो कोस 45 का मान होगा। ठीक है, और जो साइन 30 का मान है वो कोस 60 का मान होगा, और जो साइन 0 का मान है वो कोस 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, फिर ये टेन टेन होता है यानी भाग देना है, ये भाग का मान लो आप, साइन बटा कोस। ठीक है, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और 1/2, 2 के अंदर √3/2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, 1/√3। ठीक है, और 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, √3/2 1/2 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, √3, और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत। ठीक है, कोट थीटा, कोट कोट का मान निकालना है, तो जो साइन का मान है, साइन 90 डिग्री का मान होगा वो कोट 0 का मान होगा, साइन 60 का मान होगा वो कोट 30 का मान होगा, और कोट 45 का मान, कोट 45 का मान और टेन 45 का मान समान होता है, और जो मान साइन 30 का होगा वो कोट 60 का होगा। ठीक है, और जो मान कोट 0 का होगा वो टेन 90 का होगा, यानी टेन 0 डिग्री का मान कोट 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सेक थीटा, सेक है जो कोस का व्युत्क्रम होता है, तो सेक बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, तो ये एक या 1/2 में आएगा, तो एक का एक में भाग देंगे तो एक आएगा, और इसके ऊपर है ना बट्टा में एक लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 और ये √2। ठीक है, एक में भाग देंगे ये 2 और अनंत, फिर इसको व्युत्क्रम कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर 8/2 प्रश्नावली का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।